सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल द जॉली कपूर्स। सो गाइज़, मैं आ गया हूँ जैसलमेर में, और जैसलमेर में एक फ़ोर्ट है मोहनगढ़ फोर्ट, जिसमें मैं रुकने वाला हूँ। रात को हमने, कल रात को इसमें चेक इन कर लिया था, तो रात को हमने स्टे किया है ऑलरेडी यहाँ पे। और ये 1944 के आसपास ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट हुआ था। जैसलमेर सिटी से ये थोड़ा सा दूर है, सो इट टेक्स रफली एन आर टू रीच हेयर। सिटी से ऑलमोस्ट ये 60 किलोमीटर के आसपास दूर है, और बहुत ही अच्छा फोर्ट बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, कितना सुंदर फोर्ट है ये। अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फोर्ट कैसा है। सो गाइस, जैसे ही आप इसमें घुसते हैं, सामने पड़ता है रिसेप्शन। मैं आपको दिखाता हूँ इनका रिसेप्शन एरिया। सो दिस इज देयर रिसेप्शन एरिया। 1944 पे फोर्ट बना हुआ। ये इंडिया का लास्ट फोर्ट है। होटल में कन्वर्ट हुआ 19 में, मीन 4 साल हुआ। प्रॉपर्टी क्लीन और मेंटेन के लिए 25 रूम्स है यहाँ पे। महाराज जवाहर सिंह जी ने बनाया था, उनका बेटा हुकुम सिंह जी को जन्मदिन पर गिफ्ट दिया हुआ था। सो गाइज, बाहर निकलते हैं। सो दिस इज़ दी एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस वो थी जो दिखाई थी मैंने, उसके बाद ये है जहाँ से हमारा मेन इसका एक्सेस है। तो ये साहब है हमारे साथ, व्हाट्स योर गुड नेम? राजेश। राजेश जी हैं, तो राजेश जी थोड़ा सा हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जी, ये फोर्ट अपना 1930 में बनना स्टार्ट हुआ, 1944 में बन के रेडी हुआ। महारावल जवाहर सिंह जी ने अपने छोटे बेटे हुकम सिंह जी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए फोर्ट बनाया था। ये इंडिया का सबसे लास्ट एंड यंगेस्ट फोर्ट है। अभी रिसेंटली 2019 में हमने इसको होटल में कन्वर्ट किया। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ शूटिंग्स में काम आता था। इससे पहले यहाँ पे सरफरोश, तस्सन, मार्शल और भी बहुत सारे सॉन्ग्स, पिक्चर, एल्बम की शूटिंग हो रखी है। तो उससे पहले ये रॉ था बिल्कुल? हाँ, एकदम रॉ था। तो मतलब पूरा फोर्ट की लुक थी? वो एकदम पूरा फोर्ट का लुक था अपना। ये स्विमिंग पूल वगैरह, ये सब पौधे वगैरह ये देख रहे हैं, उस टाइम कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं था। हाँ, ये अभी सारा का सारा 2019 में जब बना हुआ। अभी 2019 में आपका इसे हिमेश रेशमिया का सॉन्ग आया था तेरे प्यार में, उसकी पूरी की पूरी शूटिंग यहीं हुई है। एक महीना वो पूरा रुक के गए थे। ओके, ओके। इससे पहले भी बहुत है, सरफरोश में भी यहाँ कम से कम 1-1.5 महीना शूटिंग चली थी। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये रानी का महल है। ये रानी का महल है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे राजा जी का दरबार लगता था दिन में। ओके। मॉर्निंग टाइम में जैसे कैबिनेट लगता है ना आज अपना, जवाहर सिंह जी का। हाँ, जवाहर सिंह जी का। जवाहर सिंह जी का यहाँ पे दरबार लगता था, ऊपर के यहाँ बैठते थे ऊपर। हाँ, और बिल्कुल सामने ऑपोजिट है रानी का महल। इनका भी रानी का महल था। रानी, और ये जो व्हाइट, जी ये व्हाइट छतरी है जो यहाँ पे राजा जी इवनिंग टाइम में दरबार लगाते थे अपनी लोकल पब्लिक के लिए। ओके। जहाँ पे लोकल पब्लिक आती थी, जो भी उनका प्रॉब्लम्स वगैरह होता था सब सॉल्व करते थे। ये जो झरोके देख रहे हैं आप, हाँ जी, यहाँ झरोके से रानियाँ उस टाइम जब इवनिंग में यहाँ दरबार लगता था तब वो वहाँ पे देखते थे इनको। ओके, ओके। क्योंकि रानियाँ उस टाइम बाहर नहीं आती थी ना। ओके। पर्दे के अंदर ही सब रहते थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस टाइम के पुराने कूलर्स है जो बिना लाइट के हाथ से चलाए जाते थे। ये ऊपर जो आप बीम्स देख रहे हैं जी, ये सारे के सारे 1925 में बाहर से लाए गए थे इंग्लैंड से। okay. इंडिया में उस टाइम स्टील के बीम्स वगैरह नहीं बनते थे। okay. आपके रूम में भी आपने देखे होंगे, पूरे होटल में भी जितने भी कम से कम 800-900 बीम्स लगे हैं, सारे उस टाइम वहाँ से एक्सपोर्ट किए गए, सॉरी इंपोर्ट किए गए, मंगवाए गए। ये है रानी का महल जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये रहा मेरा कमरा, पहला ही कमरा है 101। और इसमें कितने रूम है रानी के महल? इसमें रानी के महल में आपके 6 कमरे नीचे, 6 कमरे ऊपर है। मेन रानी का महल कौन सा है? रानी का कमरा, रानी का बेडरूम वाला, वो 203 और 206 ये वाले। अच्छा, तो वो बड़े कमरे हैं? वो महाराजा स्वीट में कन्वर्ट हो गया। इसका नॉर्मल आपका रहेगा 9,500 से स्टार्टिंग है। अच्छा। और महाराजा स्वीट आपका 25,000 तक जाता है, जस्ट रूम ओनली का। हाँ, अपने पास में टोटल 26 रूम है, उसमें 5 कैटेगरी के रूम है। स्टैंडर्ड है, डिलक्स है, वुड स्वीट है, गोल्डन स्वीट है, महाराजा स्वीट है। ओके, सो हमने जो लिया है स्टैंडर्ड है? जी। ओके। स्टैंडर्ड है, डिलक्स है। ये स्विमिंग पूल इधर आप देख ही रहे जी, ये 8-8 अपना ओपन रहता है। स्विमिंग पूल के जस्ट आपके पास में आपका पूल गेम है। ओके। पूल गेम आप यूज कर सकते हैं। ओके। इधर अपना रेस्टोरेंट रहता है शाम को इवनिंग में ओपन, साथ में राजस्थानी लाइव म्यूजिक के साथ में रहता है। और यहाँ का अगर खाने की बात करते हैं तो फेमस क्या है यहाँ? फेमस यहाँ का राज में क्या है और नॉन वेज में क्या है? नॉन वेज में आपका लाल मांस है। हाँ। वेज में पनीर भी है, एक आपकी रबोड़ी की सब्जी है, हरा प्याज के साथ में आता है। अच्छा। वो यहाँ पे स्पेशल है। ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या है यहाँ पे? ऊपर तो
म्यूजियम बना रखा है हमने, एक आर्मरी रूम है, इधर से रहेगा सर 58 स्टेयर्स रहेंगे, 58 स्टेयर्स हैं। ऊपर जो सामने देख रहे हैं ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे आपका टेबल टेनिस बनाया हुआ है, वहाँ पे गाइस टेबल टेनिस है, ऊपर अगर आप इधर आपका स्पा है, इधर स्पा है और इधर से है 58 हाइएस्ट। इधर म्यूजियम है, म्यूजियम के जस्ट ऊपर आपका सनसेट एंड सनराइज पॉइंट है, जहाँ से आप अपना सनसेट एंड सनराइज कवर कर सकते हैं। मोती महल यहाँ से सनसेट और सनराइज पॉइंट है गाइस, 58 स्टेप्स हैं मोती महल के, तो चलिए देखते हैं एक बार प्लीज। पूरा घूमते हुए जा रहा है छोटा। हाँ ये 50 स्टेप मोती महल आ गया, ये आ गया गाइस मोती महल, यहाँ से आपका पूरा का पूरा व्यू आ जाएगा, वेरी नाइस। सो गाइस ये है मोती महल, यहाँ से आ रहा पूरा व्यू। ये जो इधर देख रहे हैं वो पुराना कुआं है, तो उस टाइम में काम में लिया जाता था, अभी भी काम में लेते हैं। सो गाइस वहाँ पे है कुआं, वो आप देख रहे होंगे दो तरह परात पड़ी है बड़ी बड़ी जी, वो कुआं है एक्चुअल में। इधर दुर्गा माता का टेंपल है, वो है माता जी का टेंपल। इसके आगे जो चौक देख रहे हैं आप, ये वाटर टैंक है, बारिश का पानी स्टोरेज होता है इसमें, नीचे वाला रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होता है। सो गाइस देखिए कितना ही इन्होंने मॉडर्न तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो रखी है, बट हर फोर्ट में नहीं होती ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नहीं हर फोर्ट में नहीं होती, ये लेटेस्ट था ना उस टाइम, इसको तो अभी हमने कन्वर्ट किया है आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में। ये उन राजा जी जो हॉर्स यूज करते हैं ना उसके चाबुक वगैरह है, ये पुरानी बंदूकें हैं, टोपी वाली बंदूक बोलते हैं वैसे, टोपी वाली हाँ, क्योंकि इसमें बारूद भर के ऊपर से उससे ठोक ठोक के जो है ना तार से टोपी बना के फिर छोड़ा जाता था। ये जो राजा जी यूज करते थे वो वाली चीजें। अच्छा ये जो राजा जी यूज करते थे ये उन्हीं का सामान है, इनके निब्स वगैरह है, ये जो गोरो ने स्पेशल उनके लिए सिगरेट बना के भेजी, ये देखिए स्पेशल लिखा हुआ है इस पे, स्पेशली मेड फॉर HH महारावल ऑफ जैसलमेर। वाओ ये लैंप्स वगैरह सर पूरे बहुत, ये कुछ लैंप्स हैं और ये महाराजा जी के सारा सामान है। हाँ ये उनके जो खंजर्स वगैरह जो यूज करते थे वो सारी चीजें। ये भी जो जी लैंप्स है पुराने टाइम के बहुत फेमस लैंप है, इसको जब आज जो एंड टू एंड लाइट जल जाती है बटन ऑन करते, ये कम से कम 5 मिनट लेते हैं जलने में। ओके बट इनकी लाइफ बहुत। हाँ वाओ गाइस लुक एट दिस आर्मरी रूम, क्या रूम बनाया हुआ है, ये ऊपर क्या लगाया हुआ है पत्थर है, ये पत्थर कौन सा, ये जो टंगा हुआ है ये वाला, ये जो कुएं से पानी निकालते थे ना उस टाइम रस्सी से खींच के, इसी से निकालते थे, पत्थर का नहीं लेदर का पूरा प्योर लेदर है। हाँ इसी में पानी आता था, इसी में पानी आता था गाइस, इसी के अंदर पानी आता था। ये उस टाइम के बही खाते वगैरह जो यूज लेते थे, मेरी हाइट से बड़ी उनके ये वो बोलते हैं ना दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो वाले बंदूक है, इसमें पहले बारूद भरते थे फिर यहाँ पे आपका वो, इसमें तो बटन वाला हो गया, इस बंदूक में क्या तीली वो आग लगा के फिर छोड़े जाते ना, बारूद आगे भरा जाता था, हाँ बारूद भर के उसको वो जो आगे जो तार दे रखा है उससे ठोक ठोक के उसको जमाया जाता था फिर वो फायर होता था। ये वाले भी वाटर टैंक है लेदर के, जहाँ इधर से कहीं दूर जाना हो 150 किलोमीटर। ये आपका सनसेट एंड सनराइज पॉइंट रहेगा, इधर आपका सनसेट रहेगा शाम को 6:20 पे, सनराइज आपका इधर से रहेगा मॉर्निंग में 6:40 के समथिंग। इधर एक कुआं से बाहर भी है पुराना कुआं, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो भी पुराना कुआं है उस टाइम वो भी कुआं है गाइस। तो ये इनकी एंट्री है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये एंट्री भाई अपना से मैं आया था, शिव जी का मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर है उधर जी। तो ये विलेज पड़ता है क्या है, ये गांव है सर, कौन सा नाम, मोहनगढ़ नाम जी। और यहाँ से रेगिस्तान, प्रॉपर रेगिस्तान कितनी दूर है, इधर तनोट माता के और साइड जाएंगे लोंगेवाला तनोट माता तो फुल रेगिस्तान है, जैसलमेर से आगे सम की तरफ जाएंगे खुड़ी की तरफ जाएंगे फुल रेगिस्तान। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू हैव द ब्रेकफास्ट इन दिस मोहनगढ़ फोर्ट, ये है जायका रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने।
गुड मॉर्निंग। सो वी हैव पराठा, सैंडविच, पूरी, पोटैटो वेजेस, भाजी एंड ऑल। सो दिस इज द ब्रेकफास्ट गाइस। सो गाइस, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त जगह पे लेके आया हूँ मैं आपको, जैसलमेर में मोहनगढ़ फोर्ट, जो मोहनगढ़ विलेज में पड़ता है और सिटी से, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर की दूरी पे है। और सिटी भी हम जाएंगे, कल हम गए थे रात को बाज़ार में, हमने कुछ शॉपिंग करी, बट आप देखिए इतनी ही ज़बरदस्त लोकेशन पे मैं आपको लेके आया हूँ। तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, और आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू विज़िट हेयर। यहाँ पे आप विज़िट करिए, यहाँ पे स्टे करिए। राजस्थान में एक चीज़ बहुत ही ख़ास है, वो है यहाँ की मेहमान नवाजी। आपने सुना होगा पधारो हमारे देश, कितना ही सुंदर बेहतरीन गाना है, हम बहुत सुनते हैं उसको। तो वो राजस्थान की परंपरा है, राजस्थान का एक लहजा है, जो आपकी, जो आप जब आते हैं तो आपको जो मेहमान नवाजी यहाँ पे मिलती है वो मुझे नहीं लगता कहीं मिलती है। तो राजस्थान के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हम्बल लोग हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। वो चीज़ मेरे को यहाँ का कल्चर जो है, यहाँ का जो ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो मेरे को यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए मैं राजस्थान जाता रहता हूँ। और नीबराना का अगर आपने मेरा एक वो नहीं देखा व्लॉग, तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। और डू विज़िट हेयर, खाना भी बहुत अच्छा है। लाल मांस, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लाल मांस आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए यहाँ का। और वेज में भी पनीर की सब्ज़ी बहुत फेमस है यहाँ की। तो आप आइए, विज़िट करिए और इन्जॉय करिए, और देखते रहिए द जॉली कपूर्स। थैंक यू सो मच गाइज़।